सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल घंटे को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आप देखेंगे शुरू से लास्ट तक तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं टिकट कैंसिल करूँगा तो मेरे पैसे कितने कटेंगे, मेरा रिफंड कितना वापस आएगा, चार्ज कितने कटेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो में ये सारी डाउट आपके दूर कर दूंगा दोस्तों। जो 2020 का जो रेलवे ने नया नियम निकाल रहा है दोस्तों, वो सब नया है और नए तरीके से है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने कुछ टॉपिक जो रेलवे ने निकाला है, जो नियम है उस नियम को मैंने छाट कर रखा है कि यदि हम वेटिंग टिकट कैंसिल करते हैं तो हमारी पैसे कितने वापस मिलेगा, कितना चार्ज कटेगा। यदि हमारी टिकट कंफर्म हो गया है उसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पैसे कितने मिलेगा। और दोस्तों एक और नया नियम है दोस्तों, अगर आप वेटिंग में आपने तत्काल में या वेटिंग में आपने टिकट बुक किया है और वो टिकट कंफर्म हो गया है तो क्या उसका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुन। देखिए दोस्तों, पहला नियम ये है, इसमें लिखा है अगर आपका टिकट कन्फर्म हो गया है और आप सोच रहे हैं कि उस टिकट को क्या करूं, मैं कैंसिल करूं। जैसे आप टिकट जब बुक कराए होंगे और आपका सीट दिखाया होगा कि हाँ अभी सीट खाली है और आप टिकट बुक कर दिए अपनी, और आप सोच रहे हैं कि अपनी टिकट को क्या करूं, कैंसिल करूं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जर्नल है और रिजर्वेशन है तो अगर आप इसको कैंसिल कराएंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आपको 30 रुपया आपका क्या होगा, चार्ज कटेगा। ठीक है दोस्तों, और यही अगर आप सोच रहे हैं कि सेकंड क्लास का मैं टिकट क्या करूं, कैंसिल कराऊं, तो उसके लिए रेलवे आपसे 60 रुपया लेगा। अगर आपका टिकट 400 रुपये की है तो आपको 60 रुपया काट लेगा और बाकी जो पैसे है वो आपको वापस दे देगा। और दोस्तों आप ध्यान देना, एक टिकट के ऊपर 60 रुपये लेगा, एक टिकट के ऊपर 30 रुपये लेगा। अगर आपके पास दो टिकट है और एक ही टिकट पे दोनों का नाम है तो आप सोच रहे हैं कि दोनों टिकट कैंसिल कराऊं, तो दोस्तों 120 रुपया रेलवे आपसे लेगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो नियम है रेलवे का वो ये है टाइम से लेकर। देखिए दोस्तों, आपका जो टिकट है, अगर मान लीजिए वो टिकट आपका फर्स्ट एसी का है या सेकेंड के है या थर्ड का है, तो देखिए दोस्तों अगर आपका टिकट फर्स्ट एसी का है तो इसको टिकट आपको 48 घंटे पहले कैंसिल कराना पड़ेगा। अगर आपके पास 48 घंटे से ज़्यादा आपके पास टाइम है तो अपनी टिकट का कैंसिल कराइए। जब आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपका 240 रुपया कटेगा पर टिकट के हिसाब से। अगर आपका फर्स्ट है और आप 48 घंटे पहले इसको कैंसिल कराते हैं तो आपको 240 रुपये टिकट में से काट लिया जाएगा और जितना आपका पैसे बचेगा वो आपकी अकाउंट में आपको वापस दे दिया जाएगा। अगर आपके पास अगर आपने ऑफलाइन इस टिकट को बुक कराया है, काउंटर से किया है, तो आप काउंटर के पास जाएं, रेलवे टिकट काउंटर के पास, और उससे कैंसिल कराएं तो आपको तुरंत पैसे वो वापस दे देगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका टिकट सेकंड क्लास में है दोस्तों, तो उसमें आपका 200 रुपये कटेगा। अगर आपका सेकंड है तो अगर आप एसी का टिकट कैंसिल कराएंगे सेकंड क्लास का, तो आपका 200 रुपये टिकट का जो चार्ज है वो रेलवे काट लेगा और बाकी जो आपका है जितने पैसे है वापस दे देगा पर टिकट के हिसाब से। दोस्तों अगर आपके पास दो टिकट है और एक ही टिकट पे दोनों का नाम है, दो यात्री हैं और एक ही टिकट पे दोनों का नाम है, तो आपको दो टिकट के पैसे लेगा। ठीक है, अब थर्ड एसी के आ जाए दोस्तों। थर्ड एसी में लिखा है अगर आप इसको कैंसिल कराते हैं वो भी 48 घंटे पहले, तो आपको 80 रुपये चार्ज रेलवे आपसे लेगा और उसके बाद जितना आपका पैसे है वो वापस दे देगा। अब देखिए दोस्तों, स्लीपर क्लास में जिसमें एसी नहीं होता, सिर्फ बैठने और सोने के जो सीट होता है, अगर उसमें आपका टिकट है तो उसमें अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपसे रेलवे 120 रुपये लेगा और बाकी जितना आपका पैसे बचेगा वो सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप काउंटर से टिकट लिए हैं तो आप काउंटर पर जाएं, कैंसिल कराएं और 120 रुपया वो काट के सारे पैसे आपको वापस दे देगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर लिखा है अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया है और आपके पास 48 घंटे से कम समय है, 12 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में अगर आपके पास समय है और आप टिकट को कैंसिल कराएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 25% आपको क्या करेगा, आपका टिकट काट लेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये है टिकट, आपने 1,000 रुपये का टिकट कराया है, तो आपसे 25% उसका चार्ज काटेगा और उसके बाद जितने पैसे वो आपका वापस बचेगा वो सारे पैसे आपको वापस दे देगा। अब देखिए ट्रेन खुलने से पहले 4 घंटे और 12 घंटे के बीच में आपके समय हैं, तो आपसे जो टिकट, देखिए यहाँ पर लिखा है 4 घंटे और 12 घंटे, अगर इसके बीच में अपने टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो टिकट का चार्ज जो है वो 50% आपसे रेलवे काटेगा। अगर आपका 1,000 का टिकट है तो आपसे 500 रुपये काट लेगा, अगर 2,000 का है तो 1,000 रुपये काटेगा और 1,000 रुपये आपको क्या करेगा वापस देगा पर टिकट के हिसाब से दोस्तों, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको जो बताया है सारी बातें वो है अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक किया है और उसको कैंसिल कराते हैं तो 5 या 6 दिन में आपका पैसे आपके बैंक में आ जाता है। ठीक है, और वही अगर आपने पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से तो वो 9, 10, 12 दिन लगा देता है आपके पैसे आने में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं UPI से पेटीएम से किया है तो 5 दिन में 6 दिन में आपका जो पैसे है वो वापस आ जाता है। अगला जो रूल है दोस्तों वो रेलवे का ये है कि अगर आपने ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक किया है या काउंटर पर और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं या कैंसिल कर दिए हैं तो उस केस में दोस्तों आपको 1 भी रुपया रेलवे वापस नहीं देगा। पर दोस्त अगर ट्रेन 3 घंटे देरी से चल रही है और आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो उसमें आपको रेलवे पैसे वापस देगा और आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और रेलवे को देना पड़ेगा। और यदि दोस्तों आपका तत्काल टिकट वेटिंग में है और उसे भी कैंसिल करना चाहते हैं और ट्रेन 3 घंटे देरी से है इसलिए आप कैंसिल कर रहे हैं तो दोस्तों उसका भी पैसे वापस मिलेगा, लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार आपको पैसे वापस मिलेगा। तो बस दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में यही मैसेज था। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना दोस्तों ना भूलें।